ड्रैगन ने ड्रोन से कहां पर बरसाए हैं बम? सिक्किम के पास चीन की कौन सी नई साजिश एक्सपोज हो गई है? ग्वादर बंदरगाह के लिए क्या है चीन पाक की नई डील? तालिबान पर कैसे इमरान खान का दांव पड़ गया उल्टा? दुश्मन मुल्कों की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। एलएसी पर चीन का जंगी अभियान जारी है। तिब्बत के पठारी वाले इलाके में चीन की तिब्बत मिलिट्री फोर्स ने युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में पीएलए ने बम बरसाने वाले ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। ड्रोन से जमीन पर बम गिराकर टारगेट पर निशाना साधा गया। सिक्किम के पास चीन अपनी साजिशों को अंजाम देने में जुटा है। सैटेलाइट इमेज में खुलासा हुआ कि चीन ने सिक्किम के पास कई नई चौकियां बना ली हैं। इसके साथ ही वहां पीएलए सैनिकों की भी मौजूदगी बढ़ा दी है। सिक्किम के पास पहुंचने तक सड़कें भी बनाई गई हैं। चीन ने अपने सैनिकों के लिए टाइप 21 कॉम्बेट और ऑपरेशन यूनिफॉर्म जारी कर दी है। चीन का दावा है कि तीनों अंगों के सैनिकों को यूनिफॉर्म दे दी गई है। चीन ने दो तरह की वर्दी जारी की, जिसमें एक सर्दियों के लिए और एक गर्मियों के लिए। वहीं भारतीय सेना ने भी 14 जनवरी को सेना दिवस पर नई कॉम्बेट और ऑपरेशन यूनिफॉर्म में नजर आएगी। ताइवान ने चीन की बढ़ती आक्रमकता पर उसे कड़ी चेतावनी दी है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि हमें चीन को याद दिलाना होगा कि वो स्थिति का गलत आकलन ना करे और सैन्य दुस्साहस को रोके, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ग्वादर बंदरगाह पर सीपीईसी को लेकर चल रहे प्रदर्शन को कुचलने के लिए चीन पाक ने संकल्प लिया है। एक मीटिंग में चीन पाक के अधिकारियों के बीच ये तय हुआ कि सीपीईसी प्रोजेक्ट में आ रही रुकावटों को न सिर्फ बलपूर्वक हटाया जाए, बल्कि दोनों मिलकर ग्वादर बंदरगाह का पूरी क्षमता के साथ दोहन करेंगे। आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर आतंक को पालने वाला दांव उल्टा पड़ गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। 2020 में पाक में जहां 16 आतंकी हमला हुआ, वहीं 2021 में बढ़कर ये 25 हो गए। चीन के बाद अब रूस भी तालिबान को लेकर सतर्क हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते खौफ को देखते हुए अब रूस भी तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए तालिबान को मान्यता देना संभव नहीं है। इमरान राज में पाकिस्तान की जनता महंगाई से करार रही है। अब पेट्रोल के बड़े दामों ने लोगों की जेबों में डाका डालना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में एक लीटर पेट्रोल 144 रुपए के पार चला गया है। विपक्ष ने इमरान पर हमला बोलते हुए कहा कि इमरान की सत्ता से विदाई के दिन आ गए हैं। एलओसी पर एक बार फिर आतंकियों के घुसपैठ को नाकाम करते हुए इंडियन आर्मी ने एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकी की पहचान शब्बीर मलिक के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। आतंकी के पास से AK-47 और 7 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।